गाइस अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि हम जितनी जल्दी उठते हैं हम उतना ही हमारा दिन प्रोडक्टिव रहता है। हम सबको जल्दी उठना चाहिए, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जल्दी उठने का। एंड गाइस मैं आपको बता, लाइट कहाँ से आ रही है पीछे, ये थोड़ा गलत हो गया इधर से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत अच्छा काम करना चाहिए पूरे। सो गाइस दिस इज द Honest need aspirant life. This is a story that no one tells you, bro, that I'm gonna tell you today. Let's go. मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब YouTube जगत में आपको बतेरे नीट स्टडी टाइम टेबल मिल जाएंगे, पर मुझे तो आप पे अपना ही टाइम टेबल थोपना है। हाँ वही टाइम टेबल जो YouTube से देखकर बनाया और खुद तो कभी फॉलो करता नहीं है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है यार, ये तो मतलब क्या है। तो गाइस एक्सक्लूसिव नीट टाइम टेबल आ चुका है और हम शुरू करते हैं। तो 4:30 बजे वेकअप गाइस, वेकअप 4:30 से 6 बजे टॉयलेट। ओके आगे देखते हैं हम, 6 से 8 टाइम पास। ओके आगे गुड होगा, आगे बहुत सही है। 8 से 9 कुछ और टाइम पास। 9 से 12 बहुत अच्छा, थोड़ा सा और टाइम पास है। 12 से 1 गाइस थोड़ा सा इतना और टाइम पास गाइस। आगे मेरे को लग रहा है बहुत हम दिन में बहुत अच्छी चीज करते हैं। 1 से 2 कसम लास्ट बार। 2 से 4 गाइस, 2 से 4 ये तो फेवरेट है मेरा, वीडियो बना के लोगों का पागल बनाना, स्टार स्टार स्टार। 4 से 7 गाइस पढ़ाई आ गई है, पढ़ाई चलो बुक खोल के देख ही लेते हैं। 7 से 8 गाइस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा गाइस, ये सब भूल जाओ गाइस। रात को हम बहुत प्रोडक्टिव काम करते हैं बहुत ज्यादा। अब 8 से 12 बजे मजे पे टिकटॉक गाइस, ये मेरा नहीं है, ये कट करो, इसे मेरा नहीं है। अब कुछ इंटेंशनल शो ऑफ जो कि मैं दिखाऊंगा कि बिल्कुल ही अनइंटेंशनल है। तो गाइस मैं बिल्कुल ही आप जैसा हूं और मैंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, अभी मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन करूंगा। ओके और ओके एंड अच्छा पता नहीं यार आजकल के लोग यार अपनी कॉपी में हाइलाइटर वाइलाइटर चलाते रहते हैं यार, पता नहीं उनको कैसे पढ़ने में आता है। डायग्राम में भी जो लिखा रहता है उसके आगे पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं यार। यार मैं तो बिल्कुल ही आप जैसा हूँ यार, मतलब मैं तो अभी अभी खोल रहा हूँ यार, अभी मैं ओवरव्यू देख रहा हूँ यार क्या पढ़ना है इसमें क्या नहीं पढ़ना। ओह चलो ये तो बहुत ज़्यादा है यार, मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा यार ये। ठीक है चलो करते हैं शुरू। ओके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ओके ये क्या है, ये तो वो नोट है जो मैंने बनाया हुआ था, मतलब मैंने यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी इंपॉर्टेंट लगी मैंने यहाँ लिख दी। ओके ये हुआ था रिविजन सिलेबस, आधे बच्चे तो इसी के लिए ही आए होते हैं। अभी 5 बार रिविजन कर लिया है, पेपर के 10 दिन पहले 25 बार तो हो ही जाएगा, एंड 1 दिन पहले 100 बार रिविजन पक्का है श्योर। इतने में BDS सीट तो मिल ही जाएगी। क्या MBBS? उसके लिए यही कहीं 500 बार रिविजन करनी होगी। हाँ इतना तो हो ही जाएगा यार, इतना तो कर ही लोगे यार ये तो। अब एक नीट एस्पिरेंट, वो नीट एस्पिरेंट क्या जिसके वीडियो में एक अनवांटेड नीट मोटिवेशन का सेगमेंट ही ना हो। मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, छोटी मोटिवेशन बड़ी मोटिवेशन, संदीप महेश्वरी मोटिवेशन, ऐसी मोटिवेशन जिसे देख के आपको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तब भी मोटिवेशन। अब कुछ शॉर्ट्स ये दिखाने के लिए कि मैं पढ़ाई में आपसे कितना ऊपर हूँ और आप जैसे नाकामयाब लोग धरती में कितने नीचे डूबे हुए हैं। गाइस सुबह हो गई है एंड मुझे बहुत भूख लग रही है तो टोस्ट खा लेता हूँ मैं यार। ओ ये रहा, ओ गर्मा गर्म, ये तो गर्म लग रहा है, काफी गर्म लग रहा है, बढ़िया। उसके साथ थोड़ी चाय भी बना ली जाए तो। ओ ये रहा चाय, चाय भी बना लेते हैं थोड़ी, चलो बढ़िया। गाइस एक मेजर प्रॉब्लम आ गई है, प्लीज सॉल्व करवा दो यार। गाइस आज मैं फिजिक्स पहनूं या फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जच रहा है टॉप के साथ, स्किन टोन भी मैच हो रहा है, चलो आज केमिस्ट्री करते हैं। ओके गाइस आज बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया है तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नींद भी आ रही है तो चलो सो ही जाते हैं थोड़ा। फिजिक्स मेरी जान, कितना चाह तुझे। आपको पता नहीं होता पर आपका कट जाता है, वो भी अच्छा वाला, और हमें हमें क्या मिलता है, हमें आपका व्यू मिल जाता है। धन्यवाद।